हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंजलि बिष्ट। टुडे वी विल लर्न हिस्ट्री ऑफ क्लास 7 चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। मींस किस तरह से धीरे धीरे जो सोसाइटी थी वहाँ पे अलग अलग बड़े बड़े किंगडम बन रहे थे, किंगडम में रूलर होते थे, उन्होंने कैसे स्टार्ट वो कैसे स्टार्ट हुए ये हम इसमें देखेंगे। ओके, तो लिसन केयरफुली। मैनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज्ड आफ्टर द 17th सेंचुरी। यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारी नई नई डायनेस्टीज मतलब नए नए वंश थे जो इमर्ज्ड हुए, उभरे कब, 17th सेंचुरी के बाद। मैप वन शोज द मेजर रूलिंग डायनेस्टी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द 17th एंड 12th सेंचुरी। 17th और 12th सेंचुरी के बीच में जो वहाँ पे क्या था, मेजर रूलिंग डायनेस्टीज थी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में। ओके, सो इस मैप में क्या है, टू किंगडम्स है जिस एंड जो दोनों किंगडम्स हैं इनके अलग अलग रूलर्स हैं, राजपूत किंगडम्स है और सदर्न किंगडम्स है। राजपूत किंगडम्स के अंदर कौन कौन से रूलर्स आते हैं, गुर्जारा प्रतिहाराज जो कहाँ के हैं, मंदोर के, चौहान्स जो अजमेर के हैं, परमाराज जो कहाँ के, मालवा के, चंडेलास जो कहाँ के हैं, बुंदेलखंड। और दूसरा किंगडम कौन सा है, सदर्न किंगडम्स, जिसमें क्या क्या आते हैं, राष्ट्रकूट्स, चौलक्यास, होयसालास, चेराज, पालाज, पांड्यास और पल्लवास। ओके, नेक्स्ट द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। ठीक है, जो नई नई डायनेस्टीज थी उनकी इमर्जेंस कैसे हुई, वो कैसे उभरे। बाय द 17th सेंचुरी देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ इन डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स। 17th सेंचुरी के दौरान वहाँ पे क्या थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, वॉरियर चीफ्स थे इन डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, अलग अलग सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग क्षेत्र में। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबॉर्डिनेट्स और समानताज। और जो वहाँ के स्थित राजा थे वो अक्सर क्या, वो खुद को अक्सर क्या बोलते थे, समानताज, वो अब खुद को क्या बोलते थे, समानताज बोलते थे। समानताज क्या है, वो एक टाइटल दिया गया है, एक पोजिशन है जो यूज़ की जाती थी किसके द्वारा, आर्मी पीपल्स के द्वारा। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स, बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम विथ मिलिट्री सपोर्ट। ठीक है, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो क्या लेके आए, गिफ्ट लेके आए अपने राजाओं के लिए, अपने ओवरलॉर्ड्स के, अपने अधिकारी के लिए, और उसको प्रेजेंट किया जाए कहाँ पे, कोर्ट्स में, और प्रोवाइड किया गया, उनको प्रोवाइड किया जाए किसके साथ, मिलिट्री सपोर्ट के साथ। एज समानताज गेंड पावर एंड वेल्थ। ठीक है, जब समानताज ने क्या गेन करी, पावर और वेल्थ को गेन किया, तो उन्होंने डिक्लेयर किया, मतलब उन्होंने खुद को डिक्लेयर किया कि वो क्या है, महासमानता है। पहले वो समानता थे, बाद में उन्होंने खुद को क्या डिक्लेयर किया कि वो महासमानता है और महामंडलेश्वर है, मीन्स ग्रेट लॉर्ड, महान देवता है और सर्कल और रीजन है, एंड सो ऑन। समटाइम्स दे एजर्टेड दियर इंडिपेंडेंस फ्रॉम दियर ओवरलॉर्ड्स। अब वो ये नहीं चाहते थे कि उनके क्या हो, राजा बने, और वो क्या चाहते थे, इंडिपेंडेंस चाहते थे। वन सच इंस्टांस वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूट्स इन द डेक्कन। अब यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है जो राष्ट्रकूट्स है कहाँ के, डेक्कन के। इनिशियली देवर सबॉर्डिनेट्स टू द चौलक्यास। वो शुरू से क्या थे, अधीन थे, मीन सबॉर्डिनेट थे किसके, चौलक्यास के ऑफ कर्नाटका के। इन द मिड एटीन सेंचुरी में वहाँ पे कौन थे, दंती दुर्गा थे जो क्या थे, राष्ट्रकूट चीफ थे, राष्ट्रकूट के मुखिया थे। ओवरथ्रो हिज चौलक्य ओवरलॉर्ड, जिन्हें जो वहाँ के चौलक्य थे, ओवरलॉर्ड मीन्स अधिकारी थे वहाँ के, उनको उन्होंने ओवरथ्रो किया, वहाँ से भगा दिया, एंड उन्होंने परफॉर्म किया एक रिचुअल जिसे क्या कहा गया, हिरण्य गर्भा, लिटररी द गोल्डन होम। When this ritual was performed with the help of Brahmanas, ठीक है, जब ये rituals को perform किया जाता था किसके help से, Brahmanas के help से, it was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a Kshatriyas, even if he was not one by birth. In other cases, men from enterprising family used, okay, और अदर केस में यहाँ पे देखा गया है कि जो मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिली मीन्स जो वैश्यास फैमिलीज के होते थे, वो यूज़ करते थे अपनी मिलिट्री स्किल्स को कि ताकि वो क्या कर सके, कर्व्ड आउट कर सके अपने राज्य को, अपने किंगडम्स को। फॉर इंस्टांस यहाँ पे एक और उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, द कादम्बा मयूर शर्मन एंड द गुर्जारा प्रतिहाराज हरिचंद, ये क्या थे, ब्राह्मणास थे, हु गेव दियर ट्रेडिशनल प्रोफेशन, जिन्होंने खुद का क्या दिया, एक ट्रेडिशनल प्रोफेशन दिया, एंड टुक टू आर्म्स सक्सेसफुली एस्टेब्लाइजिंग किंगडम। उन्होंने सक्सेसफुली वहाँ पे स्थापित किया राज्य कहाँ पे, इन कर्नाटका में एंड राजस्थान में।
नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, मीन्स जो वहाँ का किंगडम्स था उनमें कैसे कैसे प्रशासन किया उन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। मैनी ऑफ दिस न्यू किंग्स एडेप्ट हाई साउंडिंग टाइटल्स, ठीक है, इनमें से बहुत सारे जो न्यू राजा थे, किंग्स थे, उन्होंने एडेप्ट किया हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा अधिराजा, जो महान राजा थे, ओवरलॉर्ड थे वहाँ के राजाओं के, त्रिभुवन चक्रवर्दीन जो लॉर्ड थे थ्री वर्ड्स के, एंड सो ऑन। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स, दावों के बावजूद, मीन्स क्लेम्स के बावजूद, वो अक्सर क्या करते थे, अपनी पावर को शेयर करते थे किसके साथ, सामंतास के साथ, एज वेल एज विथ एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स, ये जो वहाँ की संस्था होती थी पीजेंट्स की, ट्रेडर्स और ब्राह्मणास की। इन ईच ऑफ दिस स्टेट्स रिसोर्सेज वर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर, और हर एक स्टेट से जो रिसोर्सेज होते थे उनको उनको ऑब्टेन किया जाता था, मतलब पीजेंट से, कैटल कीपर से, आर्टिशन से, हु आर ऑफन परस्यूडेड, जिन्हें मतलब जिनको काफ़ी तेज़ी से या कॉन्फिडेंस से उनको कंपेल किया जाता था, और टू सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस, मतलब उनको पूरे तरह से मजबूर किया जाता था, मतलब आत्मसमर्पण किया जाता था। समटाइम्स दे वर क्लेम्ड एंड सेड, और कभी कभी उनको दावा किया जाता था रेंट के लिए ड्यू टू लॉर्ड हु एजिस्टेड दैट ही ओन द लैंड। रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, और जो रेवेन्यू है वो भी कलेक्ट किए जाते थे किससे, ट्रेडर से। These resources were used to finance the king's stabilizement as well as for the construction of temples and forts. और जो ये resources होते थे इनका use किया जाता था किस चीज़ के लिए, king's के finances के लिए, संस्थान के लिए, as well as construction of temples के लिए and forts के लिए। They were also used to fight wars which in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade रूट, उनको भूमि के साथ, मतलब जो उनकी जो भूमि के साथ साथ व्यापार भी करना पड़ता था। द फंक्शनरीज वर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, ठीक है, फिर उनसे रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट किया जाता था, ठीक है, और वो काफ़ी रिक्रूटेड होते, काफ़ी परिवार प्रभावशाली होते थे किसी चीज़ के लिए, परिवार के लिए, मतलब इन्फ्लुएंस फैमिली के लिए, और जो उनकी पोजिशन होती थी वो क्या होती थी, हेरिडेटरी, मतलब विरासत में होती थी। This was true about the army as well, और ये पूरा सच, ये सच किसके लिए था, और आर्मी के लिए भी था। In many cases close relatives of the king held these positions, और जो बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया था कि जो उनके क्लोज रिलेटिव होते थे किसके, किंग्स के, वो भी कहते थे अपनी पोजिशंस को वहाँ पर हेल्ड करते थे। एंड नेक्स्ट इज परहस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स, परहस्तीज कंटेन्स डिटेल दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू, दे टेल अस हाउ रूलर्स वॉन्टेड टू डेपिक देम्स, वो हमें वो ये बताते थे कि किस तरह से रूलर क्या करते थे, खुद को दर्शाते थे कि वो कितने बहादुर है, विक्टोरियस वॉरियर है, विजय योद्धा है। फॉर एग्जाम्पल दीज वर कम्पोज बाय लर्न ब्राह्मण्स, ठीक है, ये कम्पोज किए जाते थे किसके द्वारा, लर्न ब्राह्मण्स के द्वारा, हु ओकेशनली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन, और जो ओकेशनली हेल्प करते थे किसमें, इन द एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासन में। किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मणास बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड्स, और जो वहाँ के राजा होते थे उन्हें अक्सर रिवॉर्ड किया जाता था, मतलब अक्सर रिवॉर्ड करते थे ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड, मतलब उनको जमीन देके। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स, और ये सारे किस में रिकॉर्ड किए जाते थे, कॉपर प्लेट्स में रिकॉर्ड किए जाते थे, विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड। अनयूजुअल फॉर द 12th सेंचुरी वॉज अ लॉन्ग संस्कृत पोएम कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग्स who ruled over Kashmir, ठीक है, unusual, मतलब 12th सेंचुरी में unusually वहाँ पर क्या थी, एक लॉन्ग संस्कृत पोएम थी जो कंटेन, जिसमें शामिल थे हिस्ट्री ऑफ किंग्स, मीन जो कंटेन करते हिस्ट्री ऑफ किंग्स, जिन्होंने रूल किया था कहाँ पर, कश्मीर में। इट वॉज कम्पोज बाय एन ऑथर नेम कल्हाना, और यह कम्पोज किया गया था किसके द्वारा, जो ऑथर है जिनका नाम क्या है, कल्हाना। ही यूज अ वेराइटी ऑफ सोर्स, उन्होंने क्या किया, अलग अलग तरह के सोर्स को यूज़ किया, जिसमें इंक्लूड थे इंस्क्रिप्शन का यूज़ किया, डॉक्यूमेंट्स का यूज़ किया, आई विटनेस का यूज़ किया, और आई विटनेस अकाउंट्स का यूज़ किया, एंड अर्लियर हिस्टोरीज टू राइट इज अकाउंट, और जो उनकी पहले की जो हिस्ट्री थी उसमें उन्होंने अपना अकाउंट लिखा। अनलाइक द राइटर ऑफ परहस्तीज ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज, ठीक है, और जो अक्सर वो क्या थे, काफ़ी महत्वपूर्ण थे अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज के लिए, वहाँ की नीति के लिए। नेक्स्ट इज वॉरफेयर फॉर वेल्थ, यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दिस रूलिंग डायनेस्टीज वॉज बेस्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन, ठीक है, हमने नोटिस किया कि जो ईच ऑफ दिस रूलिंग डायनेस्टी है वो किस में बेस्ड है,
स्पेसिफिक रीजन में. एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज. उसी एट द सेम टाइम उन्होंने क्या किया, ट्राई किया कि वो कंट्रोल करें अदर एरियाज में. वन पर्टिकुलर प्राइज्ड एरिया वॉज द सिटी ऑफ कन्नौज. और एक पर्टिकुलर एक प्राइज्ड एरिया थी वो क्या थी, सिटी ऑफ कन्नौज, जो कहाँ पे है, इन द गंगा वैली में. फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंग टू द गुर्जारा प्रतिहारास. ठीक है, जो वहाँ के रूलर्स थे वो बिलोंग करते थे किसको, गुर्जारा प्रतिहारास को, राष्ट्रकूट्स को एंड पल्ला डायनेस्टीज को. फाउट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज, जिन्होंने लड़ाई करी थी किसको, किस पे कंट्रोल करने के लिए, कन्नौज पे. बिकॉज देयर वर थ्री पार्टीज इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट. क्योंकि वहाँ पे क्या थी, जो ये लंबे टाइम तक जो संघर्ष हुआ था, तो वहाँ पे क्या थी, थ्री पार्टीज थी. हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब इट एज द थ्री पार्टी स्ट्रगल. जो हिस्टोरियंस थे, इतिहासकारक थे, वो अक्सर क्या करते थे, थ्री पार्टी स्ट्रगल में उसको डिस्क्राइब करते थे. मतलब ये क्या के डिस्क्राइब करते थे, थ्री पार्टी स्ट्रगल्स. रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डेमोस्ट्रेट दियर पावर्स. ठीक है, जो वहाँ के रूलर्स थे वो ट्राई करते थे कि वो डेमोस्ट्रेट करें अपनी पावर को, रिसोर्सेस को, बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स, ताकि वो निर्माण कर सके बड़े बड़े मंदिरों का. सो वेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम. ठीक है, जब वो अटैक करते थे एक दूसरे के किंगडम्स में, तो दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स. तो वो अक्सर क्या चूज़ करते थे कि वो उनका टारगेट क्या होता था, टेम्पल्स में, मंदिर में, विच वर समटाइम एक्सट्रीमली रिच, जो कभी क्या काफ़ी क्या होते थे, ज़्यादा रिच होते थे. वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स इज सुल्तान. ठीक है, सबसे बेस्ट रूलर कौन से थे इसमें, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, जो कहाँ के थे, अफगानिस्तान के. ही रूल्ड फ्रॉम 997 to 1030. उन्होंने रूल किया 997 से लेके 1030 में. एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया. और वो कौन कौन से जगह में फैले, सेंट्रल एशिया में, ईरान में, एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में. ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर. और उन्होंने क्या किया, फिर वहाँ पे छापा मारा, मतलब उन्होंने हर साल वो क्या करने लगे, वहाँ पे छापा मारने लग गए. एंड हिज टारगेट्स वर वेल्थी टेम्पल. उनका टारगेट क्या था, वेल्थी टेम्पल्स में, कि उनका उनका ज़्यादा टारगेट वही था कि वो क्या करें, वहाँ के जितने भी वेल्थी टेम्पल्स थे उन पर छापा मारे, इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ गुजरात. उसमें इंक्लूड क्या था, सोमनाथ गुजरात, सोमनाथ टेम्पल. मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरिड अवे वॉज यूज टू क्रिएट अ स्प्लेंडर्ड कैपिटल सिटी एट गजनी. ठीक है, अब वो क्या चाहते थे, महमूद क्या चाहते थे कि वो कैरिड करे किसको, मतलब काफ़ी दूर ले जाए और यूज़ करे एक शानदार कैपिटल सिटी एट गजनी. सुल्तान महमूद वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट ऑफ द पीपल ही कंक्योर्ड, एंड एंट्रस्टेड अ स्कॉलर नेम्ड अल बिरूनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ द. सुल्तान महमूद वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड. ठीक है, जो सुल्तान महमूद थे उनको भी, वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड थे कि वो ये चाहते थे कि उन्हें जो जीतने वाले लोग के बारे में उनको मतलब अधिक जानकारी दी जाए. एंड एंट्रस्टेड स्कॉलर नेम अल्बोरनी. ठीक है, वो चाहते थे कि जो स्कॉलर नेम अल्बोरनी उन पर इंटरेस्ट करते थे कि वो उनके अकाउंट लिखे. ठीक है, एंड दिस अरबिक वर्क नोन एज द किताब उल हिंद. और जो ये अरबिक वर्क था उसे क्या कहा गया था, किताब उल हिंद. रिमेन एन इम्पॉर्टेंट सोर्सेज फॉर हिस्टोरियन, जिसमें क्या थे, इंपॉर्टेंट सोर्स थे फॉर हिस्टोरियंस के. ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर. फिर उन्होंने कंसल्ट किया किससे, संस्कृत स्कॉलर से, कि वो क्या करे, उनके अकाउंट को प्रिपेयर करे. अदर किंग्स हु इंगेज इन वॉरफेयर, जो अदर किंग्स थे जो इंगेज थे युद्ध के लिए, युद्ध में, इंक्लूड द चमनाज. उसमें इंक्लूड थे चमनाज, जिन्हें बाद में क्या कहा गया था, चौहान्स. हु रूल्ड ओवर द रीजन, जिन्होंने रूल किया था पूरे क्षेत्र में, अराउंड दिल्ली में एंड अजमेर में. दे अटैम्प्ट टू एक्सपेंड दियर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट. उन्होंने क्या किया, अटैम्प्ट किया कि वो एक्सपेंड करें अपने कंट्रोल को कहाँ पे, वेस्ट में एंड ईस्ट में. वेयर देवर अपोज्ड बाय द चौलुक्यस ऑफ गुजरात, जहाँ पर उन्होंने विरोध किया किसके द्वारा, चौलुक्यस ऑफ गुजरात के द्वारा, गड्डावालास ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के द्वारा. द बेस्ट नोन चमनाज रूलर्स व पृथ्वीराज, जो सबसे बेस्ट नोन चमाना रूलर्स थे वो कौन थे, पृथ्वीराजा थर्ड, जो कब तक रहे, 1168 से लेके 1192 तक. हु डिफीटेड एन अफगान रूलर, जिन्होंने किसको हराया, अफगान रूलर को, जिनका नाम क्या था, सुल्तान महमूद गौरी इन 1191, बट लॉस्ट टू हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1192. बट उन्होंने 1192 में उनको बाद में खो दिया था.